रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो समिफ हम बात कर रहे हैं, समिफ से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस बात कर रहे हैं। तो दो क्वेश्चन जैसे कि आपने सॉल्व कर लिए और दो क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है कि मुझे सम ऑफ द क्वांटिटी चाहिए, डेटा हमारा ये रहा, इस डेटा से सम ऑफ द क्वांटिटी चाहिए, राइट। पर ये डेटा में डेट है, मंथ वगैरह नहीं, और हम डेटा में किसी तरह के चेंजिंग या कोई कॉलम ऐड करना नहीं चाहते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना, सबसे पहले मुझे स्टार्ट डेट चाहिए होगा, तो मैं यहां पे सबसे पहले तो राइट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट करके एंटर किया तो राइट आ गया 1, 2, 3 नंबर। अब इसमें हम चूज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, चूज। और यहां पे हम बोलेंगे कि 1 आए, 4 आए, 7 आए और 10 आए, हर क्वार्टर का पहला मंथ नंबर में आ गया। अब इसको हम रख देंगे डेट में, किस में रख देंगे, डेट फॉर्मूला, डेट में। डेट में 2021 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, मंथ आ गया और डे हम फिक्स कर देते हैं 1। तो हमारा स्टार्ट डेट आ गया सर, क्वार्टर का स्टार्ट डेट। अच्छा, आपने क्वार्टर का स्टार्ट डेट से चालू है। मैं पहले की तरह कर रहा था, जैसे चूज में जनवरी आएगा 2000 वो करके, तो एन ए आ रहा था। क्योंकि क्वार्टर तो, क्वार्टर वन तो सिक्वेंस ही होगा, जैन टू मार्च, क्वार्टर टू अप्रैल टू जून, सिक्वेंस होगा ना, नहीं सिक्वेंस में तो होगा। हाँ, टू कर दिया हमने, तैयार। तो मुझे जो चाहिए, यहाँ पे हमने यहाँ अभी यूज किया कि जैन से मई का चाहिए, तो आपने जैन का स्टार्ट डेट निकाला होगा और मई का एंड डेट निकाला होगा, ये निकाला था ना आपने, जी जी। उसी तरह से हमने क्वार्टर वन का स्टार्ट डेट ले लिया और एंड डेट ले लिया, अब इस पे तो हम लगा ही सकते हैं ना सर। क्या लगा लीजिएगा, अगर जैसे नहीं, जैसे अगर हम वहां पर 2022 करेंगे तो चीज़ ये चेंज होगा, क्यों नहीं होगा सर, ईयर उससे कनेक्टेड है ना सर, ईयर उससे कनेक्टेड है ना, यहाँ पे हमने ईयर को कनेक्ट किया ना डेट में, यहाँ ईयर लिया है हम, चूज तो सिर्फ नंबर मंथ दे रहा है ना मैं। अब चलिए लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम करते हैं सम इफ्स, सम इफ्स में आया, डेट में गया। डेटा में जाने के बाद सबसे पहले तो हमें सिटी लेते हैं, क्योंकि सिटी वाइज मैच करना है, समरी में आते हैं, नहीं सॉरी गलत कर दिया, हमें सम इफ्स और सम इफ्स में पहले लेना है रेंज, सम रेंज तो क्वांटिटी है, यहाँ पे वन जो है क्राइटेरिया वन रेंज इसको ले लिया, और क्राइटेरिया वन जो होगा हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया वन समरी के अंदर और समरी में मैंने यहां पे डाला, एक मिनट, समरी डायरेक्ट नहीं देना है मुझे, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इसके साथ एन परसेंट हमने इसको सिलेक्ट कर, ठीक है जी जी। और फिर वापस हम डेट में आते हैं और वापस हम डेट को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू एन परसेंट, और हम यहाँ पे चले आते हैं डेट, इस एन डेट जीरो, नहीं नहीं ओ सॉरी, ए हमने यहाँ गलती की है, ए बाई ए का ये देना है ना सर, और इसमें जाना है और ए बाई बी सेलेक्ट करना, फिर अब आएगा ये भी जीरो आ रहा है, ए बाई ए में गया है, के पुणे चाहिए, ए बाई ए में ग्रेटर देन इक्वल टू एल सिक्स मतलब एक जनवरी, ए बाई ए लेस देन इक्वल टू एल फाइव मतलब कि हाँ, तो यहाँ पे 2022 करते हैं, पुणे के जगह पे हम पटना करते हैं,
फिर से गलती कर दिया सर, क्या हो गया आज हमें? कॉलम हम्म, बी में है ना हमारा, अब आया एक कॉलम ए सेलेक्ट कर लिया था नेम, कॉलम बी करना था ना सर हमें, ये पूना। आ गया सर अब समझे। अब जी इस फॉर्मूले को इसमें मर्ज कर दीजिए, वो तो समझ गया। हो जाएगा ना आपसे सर। हाँ वो हो जाएगा। अब यहां पे इस पे आए तो यहां पे मुझे जैसे वीक वन आया, तो मुझे यहां पे मुझे जैसे कि अप्रैल का है, तो पहले यहां पे एक डेट बनाते हैं, वन डैश एन परसेंट अप्रैल, सॉरी यहां पे हमने इक्वल देना भूल गए, इक्वल एन परसेंट हमने सेलेक्ट कर लिया अप्रैल, फिर एन परसेंट डैश, फिर एन परसेंट हमने ले लिया ईयर, एक डेट बन गया। अब मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ, राइट के फॉर्मूले को अलग किया, वन आ गया। अब इस वन में मैं मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 6, ठीक है ना, ये 7 माइनस 6 क्यों करो? मैं बता रहा हूं ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे जब आगे ड्रैग करेंगे ना, पता चला 1 8 15 22 29 स्टार्टिंग आ गया, वीक का स्टार्टिंग डेट आ गया ना, 1 तारीख 8 तारीख 15 तारीख 22 तारीख, समझे। ओके समझ गया। तो अब इसमें हम इसको ऐसे क्या कर रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रखने के बाद हम इस पे प्लस हमारा जो डेट है ना वो डेट कर देते हैं, तो डेट आ गया 1 जनवरी। अब ये 2 अप्रैल, इसमें माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ओके करके, और इसको आ गया 1 अप्रैल 8 अप्रैल 15 अप्रैल 22 अप्रैल 29 अप्रैल आ गया सर। अब इसमें माइनस वन क्यों किया हमने बताइए, क्या होता है कि माइनस मुझे वन मुझे क्या, मान लीजिए ना कि आपको जो डेट देना है 6 6 का, मैंने 1 आया 2 आया और 3 आया 4 5 6 इस तरह से लगाते हो, आप चाहते हो कि 6 6 का गैप आ जाए या 7 7 का गैप आ जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 7 से और माइनस कर दो 6, समझे, और नीचे ड्रैग, तो इस तरह से देखिए 7 7 का गैप आ गया, आ गया ना 7 7 का गैप, जी तो सेम यहां पे इंप्लीमेंट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 1 तारीख में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना सर, इसलिए हमने यहां पे 1 माइनस कर दिया ताकि वो 1 ही रहे यहां पे, ओके समझ समझ गया ना, तो इस तरह से गया। यहां पे आपके सामने पूरा का पूरा डेट आ गया। अब मैं यहां पे इसमें +6 करूंगा, 7 तारीख 7 तारीख आ जाएगा, आ गया 7 तारीख सर, 7 तारीख 14, मतलब 1 से 7 तारीख का डेट उठाना है, फिर 8 से 14 को उठाना है, फिर 15 से 21 से उठाना है, फिर 22 से 28 से उठाना है, या मई हो गया तो आप चाहते हैं कि मैं इसी मंथ का रहे तो आप यहाँ पे इसको हटा के यू मंथ दे दीजिए 5वां वीक में, समझे, जीरो आ गया 30 अप्रैल। अब तो लगा सकते फॉर्मूला, लगा तो दूं इसमें क्या लगा दिया? अब इस, मुझे जैसे हमने यहां लगाया है ना दो डेट के बीच में, सेम यहां वैसे ही यहां पर लगाएंगे, भी लगेगा। ओके सेम ठीक तरीके है। से समीप तो ही होगा ना सर, समीप डेटा में गए, हमें सिटी का टोटल चाहिए, सॉरी इसका क्वांटिटी का, फिर सिटी को सेलेक्ट किया, फिर समरी में आए, यहां सिटी सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे गया है डेट को सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, और वापस समरी में आए, हमने स्टार्ट डेट ला लिया कॉमा, फिर यहाँ पे गए सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 10% और एंड डेट आ गया। इसमें कहीं छूट गया कुछ, अच्छा ये डॉट लग गया यहाँ पे, ओके हो गया सर। अब यहाँ 2022 करूंगा तो 2022 का आ जाएगा, अप्रैल की जगह पे मैं जैन करूंगा तो जैन का आ जाएगा, दिसंबर करूंगा दिसंबर का आ जाएगा, समझ गए, ओके समझ गया। ये फाइल अच्छा भेज दूं, इनको भी बोलिए हम बोलिए,
इस फॉर्मूले में रख सकते हैं आप तो ऐसे क्या नहीं रख सकते क्या नहीं रखते इसको भी हम रख सकते हैं ठीक है अब कीजिए ट्राई ओके आप खुद से कोशिश कीजिए दिक्कत होती है तो उस फिर हम हैं ना आपके साथ आपको बोलना चाहिए क्वेश्चन में दिक्कत है समझा दीजिए तो हम समझा देते आपको नहीं मैंने बोला था कल आपको आपने क्या बोला आपने बोला कि सॉल्व कर दिया पर क्वेश्चन वन क्वेश्चन फोर रह गया है तो मुझे लगा कि आपने सॉल्व नहीं किया कोशिश करेंगे आप ही बोलते ना कि वो समझ में नहीं आया चाहे सब बोले अब बताइए मैं क्या सोचूंगा रह गया है ओके 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 यही सोचेगा ना कि हाँ आपने सॉल्व करने की कोशिश की दो हो गया दो बाकी दो कर लेंगे आप तो इसलिए आप बोलते तो मैं उसी से समझा देता चलिए कोई बात नहीं।